श्याम बसीन एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टोलॉजी चैनल। सो गाइस कल है एक्सपायरी, दिसंबर की सबसे पहली एक्सपायरी, हम लोग वीकली एक्सपायरी देखने वाले हैं। नवंबर के मंथली एक्सपायरी के बाद से ना मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो चुकी है, हम लोगों ने अपने चार्ट पे ऑब्जर्व भी करा था। अब इसके बाद आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो हम लोगों ने आपको कल बताया था मार्केट तो यार एक बहुत बड़ा ट्रेंड चेंज करने वाली है, बहुत बड़ी मूवमेंट आने वाली है, आइदर इट कैन बी ऑन अ अपसाइड और कैन बी ऑन अ डाउन साइड। सो आज के मार्केट पे हम लोगों ने क्या देखा कि एग्जैक्टली जिस लेवल पे खोली उसी लेवल से मार्केट ऊपर जाती रही और अच्छी खासी क्लोजिंग दी है। हम लोगों ने आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर गिरावट नहीं देखी है ज्यादा, मतलब होता नहीं था कि ऊपर लेवल पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा फेस होता था, मार्केट दोबारा नीचे आ जाती थी, ऐसा सिनेरियो अभी तक हमें देखने को आज के ट्रेडिंग सेशन पे देखने को नहीं मिला। सो कल की एक्सपायरी डेफिनेटली पॉजिटिव होने वाली है अगर हम लोग चार्ट स्ट्रक्चर के बेसिस पे काम करें तो। मार्केट पे हम लोगों ने कल ऑब्जर्व करा था कैंडलस्टिक पैटर्न की, पहले मंडे के ट्रेडिंग सेशन पे एक विक कैंडल हुआ करती थी जो कि नीचे से ऊपर आ रही थी, ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन पे एक दोबारा डोजीटी बट ऊपर की विक से नीचे आ रही थी एंड उसकी वजह से आज का ट्रेंड पॉजिटिव रहा है, तो डेफिनेटली कल का ट्रेंड भी पॉजिटिव रहने वाला है। सो कल अगर कोई भी डिप मिलती है ना छोटी मोटी और मार्केट रिकवरी की साइंस दिखाती है तो डेफिनेटली देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय मार्केट। इसके अलावा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी बैंक निफ्टी के अंदर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पूरा और स्टॉक्स के साथ साथ आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस भी शेयर करी जाती है। सो गाइस हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है MSFL। MSFL पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मैंने ना ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोगों के सामने ड्रॉ करी हुई है। इवेंचुअली सबसे पहले ना पास्ट में हम लोगों ने देखा था फरवरी में कि ये एक रेजिस्टेंस फेस करता था, मल्टीपल रेजिस्टेंस। आफ्टर दैट इसने एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इसके अंदर एक जर्नी स्टार्ट हुई ऑन अ हायर साइड की। उसके बाद हम लोगों ने देखा एक फॉल आया, फॉल आने के बाद ऊपर गया, नीचे आया, अपने इस लेवल को ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद यहाँ देखते हैं ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, एग्जैक्टली इसी लेवल पे सपोर्ट लिया, इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम पैटर्न एट दिस लेवल और यहाँ से एक अपमूव आना स्टार्ट हुई। इसने एक एक कैंडल को हम देख सकते थे कि इसने ब्रेक डाउन करा था, वो भी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के, उसके बाद दोबारा अगली कैंडल ऊपर चली गई थी एंड नीचे डबल बॉटम क्रिएट करके अगली कैंडल भी दोबारा ऊपर चली गई थी। सो आई पर्सनली थिंक अब इसका एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। द करंट प्राइस ऑफ MSFL इज 968 रुपीज, 972-973 के ऊपर जाता है तो एक अच्छी मोमेंटम भी दे सकता है और हम लोग 1995 रुपीज तक के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो MSFL हमें दिखा सकता है। इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर आप लोग डेफिनेटली ऐड करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। सो गाइस हमारा दूसरा स्टॉक है प्रिकॉल लिमिटेड। प्रिकॉल लिमिटेड पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक राइजिंग चैनल के अंदर ये स्टॉक बहुत टाइम से काम कर रहा है और मुझे पर्सनली लगता है कि स्टॉक अच्छा है और अच्छे रिटर्न्स आने वाले टाइम पे दे सकता है। अगर आप स्टॉक की परफॉर्मेंस देखोगे तो ये लॉन्ग टर्म से अगर हम लोग चेक करें तो ये कंटिन्यूस बेसिस पे हायर हाईज एंड हायर लोज मेंटेन कर रहा है, आप देख सकते हैं। कंटिन्यूस बेसिस पे एक रेंज के अंदर रहता था, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेकडाउन आया था, उसके बाद दोबारा कंटिन्यूस एक रैली हमें देखने को मिल गई थी। सो हमने यहाँ पर इस पुराने अगर बैक टेस्टिंग करें तो पुराने बैक टेस्टिंग से एक थ्योरी निकाली है कि कभी भी सपोर्ट में मिले तो स्टॉक को उठा लेना चाहिए, बिकॉज रेजिस्टेंस पे डेफिनेटली सेलिंग आ सकती है या ब्रेकआउट दे सकता है, बट सपोर्ट पे अगर आके ये रिवर्स कर रहा है तो वहां पर एक चांस है कि ऊपर की तरफ जा सकता है। सो डेफिनेटली गाइज यहाँ पर एक इसने एक बेस क्रिएट करा है, एक ऊपर की तरफ गिरावट आई, इस लेवल पे सपोर्ट या बेस क्रिएट कर रहा है बट अभी ब्रेकआउट दिया नहीं है। सो लेट मी शो यू एट दिस लेवल। आप देख सकते थे कि आफ्टर गिविंग अ वेरी कंसिस्टेंट फॉल इसने यहाँ पर एक मल्टीपल रिजेक्शन फेस करे एट दिस लेवल और इस लेवल पे मल्टीपल रिजेक्शन फेस करे तो ये एक हर्डल है, इस हर्डल के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग दे देगा हमारे लिए एक बाय सेटअप जनरेट हो जाएगा। सो हमें इसके ऊपर एक बाय सेटअप जनरेट करना है, नॉट एट दिस लेवल सॉरी, इस लेवल के ऊपर हमें एक बाय सेटअप जनरेट करना है। सो करंट प्राइस इज 114.5, हम लोगों को 115.25 के ऊपर बाय करना है। तो अगर उसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है आप लोग बाय कर सकते हो। द टारगेट शुड बी अराउंड 118-120 रुपीज के आसपास जो आप लोगों को अच्छे प्रॉफिट्स दे सकते हैं। सो हम लोगों ने आज सिर्फ दो स्टॉक्स रखे हुए हैं, कल से आप लोगों को ऑन अ डेली बेसिस 3 स्टॉक्स मिलेंगे क्योंकि कल की मार्केट एक इंपॉर्टेंट मार्केट है, कल वॉलेटाइल है तो मैं चाहता नहीं आप लोगों को 3 स्टॉक्स देके थोड़ा कंफ्यूज करा जाए। अभी के लिए 2 स्टॉक्स पे काम करिए, वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करिए और इसके अंदर ऑब्जर्वेशन बनाए रखिएगा। अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, उसके बाद ऊपर इंटरेस्ट के डाटा के साथ एंडिंग करते हैं। सो निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया, मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है और हम लोगों ने जो कल डिस्कशन करी थी वो कल डिस्कशन ये करी थी कि एक बहुत बड़ी फॉल देने के बाद इसने एक कैंडल ये वाली क्रिएट करी जिसमें जो विक थी वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई एंड मतलब एक बाइंग आना स्टार्ट हो गई और नेक्स्ट डे एक सेलिंग आना ऊपर से स्टार्ट हो गई। सो यानी कि ये एग्जैक्टली इसी रेंज के अंदर क्लोजिंग करके गया है।
सो हमारा जो डिस्कशन था, जो हम लोगों ने बात करी थी कि अगर कांच की कैंडल बुलिश बनती है और ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करती है, तो मान के चल सकते हैं कि अगले दिन की जो थर्सडे की एक्सपायरी होगी वो भी बुलिश हो सकती है। आज मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, गैप अप खुला, कंटिन्यूअस बेसिस पे ऊपर भी गया और ऊपर ही क्लोजिंग दी है, ऊपर से हैवी सेलिंग प्रेशर नहीं आया लास्ट फ्यू डेज में जो हम लोग देख रहे थे। सो मैं मान के चल सकता हूँ कि कल भी एक अच्छी बाइंग आ सकती है। हम लोगों ने डिस्कशन भी बहुत पहले करा था कि 17,160 का लेवल एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल, अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक बाइंग हम लोग मान के चल सकते हैं, जो हम लोगों को 17,250 या 280 रुपीज तक भी लेकर चल सकती है। तो अभी के लिए हम लोग वही मान के चलते हैं। तो कल हमारा एक बुलिश सेंटिमेंट है, एक बुलिश मोमेंटम है जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके अलावा गाइस, अगर आप लोग कल बाय भी करते हैं तो बेस्ट बाय लेवल बनेगा मेरे हिसाब से। आप बाय कर सकते हैं आफ्टर अ वेरी गुड ब्रेकआउट ऑफ 17,210 रुपीज का। अगर 17,210 रुपीज ब्रेक करता है इस पैटर्न के हिसाब से, तो आप लोग एक बाय कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 17,300, जो कि 80 पॉइंट्स बहुत इनफ है। और मुझे लगता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन पे शायद एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल जाए। सो कल की मार्केट थोड़ी सी अच्छी मार्केट होने वाली है। कल की मार्केट को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, एक बार बैंक निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी के अंदर हम लोगों ने यही डिस्कशन रखा था, एग्जैक्टली सेम देख सकते हैं। सो बैंक निफ्टी के अंदर हमारा था कि दोबारा उस वही सेम कैंडल स्ट्रक्चर बना हुआ था। लेट मी शो यू, एंड ये देखिएगा, सेम कैंडल से एक स्ट्रक्चर पैटर्न बना हुआ था। अगर आज के दिन बाइंग आई है तो डेफिनेटली कल के ट्रेडिंग सेशन पे भी एक बाइंग आ सकती है। अभी क्रूशियल लेवल है एग्जैक्टली अपनी क्रूशियल रेजिस्टेंस पे, इसने क्लोजिंग दिया 36,365 पे। तो अगर ये जैसी 36,400 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छी बाइंग ये दिखा सकता है विद अ टारगेट ऑफ अराउंड 36,700 36,750 रुपीज का। इसके अलावा अगर मैं आप 200 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसका एक बहुत बढ़िया सपोर्ट और एक बेस भी क्रिएट हो रखा है। और इसको बहुत टाइम से ना इसने रीटेस्ट करा नहीं है, एक ही बार ब्रेकआउट करा था और 2000 अक्टूबर पे इसने एक बार रीटेस्ट करा था, और आफ्टर दैट अब जाके ब्रेक रीटेस्ट करा अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, और एक रेंज के अंदर भी काम कर रहा है। तो आई पर्सनली थिंक बैंक निफ्टी के अंदर एक बेट बना सकते हो ना, बाय साइड अगर आप लोग बनाना चाहते हैं रेदर देन निफ्टी। बैंक निफ्टी में ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको ऑन बाय साइड कल के ट्रेडिंग सेशन पे देखने को मिल सकती है। सो ये थी हमारी ऑब्जर्वेशन, एक बार इसको क्लेरिफाई और कंफर्म कर लेते हैं विद ओपन इंटरेस्ट डाटा। सो ओपन इंटरेस्ट की तरफ आ चुके हैं। निफ्टी की सबसे पहले बात करें तो कॉल और पुट चेंज अगर हम लोग देखें तो पुट चेंज है 15.1 मिलियन और कॉल चेंज है 3.6 मिलियन, तो वास्ट डिफरेंस है, 5 टाइम्स ऊपर है पुट चेंज, तो आई थिंक ये एक पॉजिटिव साइन है। दूसरी बात अगर हम लोग बात करें तो हेवी पुट राइटिंग हम लोगों को देखने को मिल रही है 17,100 पे, और अभी क्लोजिंग प्राइस है 17,160। सो मेरे हिसाब से 17,100 और 17,000 का लेवल तो कल के ट्रेडिंग सेशन पे ब्रेक होने नहीं वाला। इसके अलावा एक छोटा सा हर्डल है 17,200 पे, हेवी कॉल राइटर्स एक्टिव है। सो ये वाले जितने भी कॉल राइटर्स हैं, ये अगले कल के ट्रेडिंग सेशन में खुलते ही ऊपर यहाँ पर शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे अगर इसने गैप अप नहीं दिया। अगर बाई चांस हम मान के चलते हैं निफ्टी ने कल गैप अप दे दिया और वो 230-240 खुल रहा है, तो डेफिनेटली ये सारे कॉल राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे और फिर मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी। बट अगर ये 17,200 के नीचे ही खुलती है निफ्टी, तो ये जितने भी कॉल राइटर्स हैं आगे की तरफ अपनी पोजीशन को शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट होने की कोशिश करेगी। तो मैंने अभी आपको जो बताया था ना कि 17,200 के ऊपर एक बाय कर सकते हैं, तो याद रखना 17,230 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो ही बाय करना, वहां पर जो रिस्क होगा वो और ज्यादा कम हो जाएगा। अब एक बार बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी के अंदर भी सिमिलर सेम स्ट्रक्चर है, कॉल चेंज है निगेटिव और पुट चेंज है पॉजिटिव। सो नेगेटिव हैवी पुट राइटिंग है आप लोगों को देखने को मिल रही है 36,000 पे और 36,350 है, तो वो तो ब्रेक नहीं होने वाला। जितने भी कॉल राइटर्स थे वो सबके सब एग्जिट कर चुके हैं और अब कॉल राइटर्स 36,900-37,000 पे है। सो बैंक निफ्टी के अंदर एक रैली बहुत अच्छी देखने को मिल सकती है। सो गाइस, आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है, अगर आप लोग इसके थ्रू कुछ भी सीख पा रहे हो, ऑब्जर्वेशन अपना खुद भी ले पा रहे हैं हमारे, क्योंकि हम इस तरीके से सिखाते हैं कि आप लोग मार्केट के अंदर अपनी खुद भी ऑब्जर्वेशन ले पाए और कुछ ना कुछ समझ पाए। सो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है, सो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, वीडियो को लाइक करिए, जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं मार्केट पे, जो आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो मार्केट में ट्रेड करते हैं, उनको भी आप ये शेयर करिए और बताइए हमारे चैनल के बारे में, और डेफिनेटली हमारी भी ग्रोथ होगी और इसके साथ आप लोगों की भी ग्रोथ होगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो पसंद आई लाइक करिए, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ कल की वीडियो पे। बाय बाय।